ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्वालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की जेबों पर हाथ साफ करते चार जेब कतरे रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनमें एक मामला बीती रात का है, जबकि दो मामले रविवार सुबह के हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि उक्त सभी जेब कतरे पंजाब के लुधियाना से संबंध रखते हैं। ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की जेबों पर हाथ साफ करते समय चार जेब कतरों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। इनमें एक मामला बीती रात का है, जबकि दो मामले रविवार सुबह के पेश आए हैं। पुलिस व श्रद्धालुओं की मुश्तैदी के चलते जेब कतरे रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि उक्त सभी जेब कतरे पंजाब के लुधियाना से संबंध रखते हैं व इनमें दो जेब कतरे बाइक पर सवार होकर ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जेब कतरों द्वारा मुख्य मंदिर में भीड़ का फायदा उठाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए जेब कतरों की पहचान राजकुमार पुत्र महावीर, नरेश कुमार पुत्र सोडीराम, देवेंद्र सिंह पुत्र जगजीत व दीप पुत्र बालकृष्ण के रूप में हुई है, जो कि पंजाब के लुधियाना से संबंध रखते हैं। रविवार को जिला कांगड़ा में एक परिवार माँ ज्वालामुखी के दर्शन के लिए मंदिर में लाइनों में लगा था कि इस बीच इन शातिर जेब कतरों ने भीड़ का फायदा उठाकर श्रद्धालु की जेब पर डाका डाला। इस दौरान जेब कतरे ने एक श्रद्धालु की जेब काटी और उससे पर्स निकाला, जिसमें 10,000 रुपए थे। इस बीच दूसरा जेब कतरा अन्य श्रद्धालुओं की जेब साफ करता रहा और उक्त व्यक्ति को दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। इस दौरान पुलिस की मुश्तैदी से अन्य साथी भी पकड़े गए, साथ ही इनके पास सारे पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। बीती रात पेश आए मामले में पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों जेब कतरे बड़ी जेब को काटने की फिराक में थे कि पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, साथ ही इनके पास 5,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके बाद इस बारे में स्थानीय पुलिस को भी मंदिर प्रशासन द्वारा सूचित किया गया। बहरहाल मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि मंदिर में लगातार हो रही चोरियों के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और यहाँ मंदिर में चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खासकर पुलिस की इन वारदातों को रोकने के लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है, जो कि सिविल ड्रेस में तैनात होकर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पुलिस हर संदिग्ध व्यक्ति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि मंदिर में कई श्रद्धालुओं की जेब कटने के मामले होते रहते थे और जेब कतरों द्वारा बड़ी होशियारी के साथ इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इनमें से कुछ तो जेब काटने के बाद चले जाते हैं, जबकि कुछ अन्य श्रद्धालु व पुलिस की मुस्तैदी से पकड़े जाते हैं। यदि बात हम शक्तिपीठों की करें तो अक्सर देखने में आता है कि भीड़ का फायदा उठाते हुए ये शातिर चोर कभी लोगों की जेबों को तो कभी महिलाओं के गले व हाथ में पहनी कीमती चीजों पर हाथ साफ करते हैं। इनमें से कुछ चोरियां सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाती हैं, जिसके चलते ये पकड़े जाते हैं, जबकि कुछ केस पुलिस व श्रद्धालुओं को चकमा देकर 9-2-11 भी हो जाते हैं। कुलदीप सिंह, हम कांगड़ा से आए थे ज्वाला जी माता के माथा टेकने, तो इन्होंने हमारी जेब में हाथ मारा इन चोरों ने, और मैंने इनको रंगे हाथी पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। राम सिंह राय से आया हूँ और मेरी जेब से मैंने 10,000 रुपये निकाला और वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया और मेरे को बरामद कर दिया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।